गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों आज है 24 मार्च और स्टार्ट करते हैं आज करंट अफेयर्स। दोस्तों आज थोड़ा वॉइस में प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ माफ़ करिएगा, क्योंकि आज मैं किसी और काम से दूसरी जगह आ गया था, इसलिए आपके लिए फिर भी वीडियो मैं बना रहा हूँ, तो प्लीज़ सॉरी आज के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र यानी UN की विश्व खुशहाली रिपोर्ट के मुताबिक भारत खुशहाल देशों की सूची में पिछले साल के मुकाबले 7 स्थान नीचे गिरकर कितने पायदान पर पहुंच गया है। दोस्तों जो है भारत UN की विश्व खुशहाली रिपोर्ट में वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में 2019 के मुकाबले खुशहाल देश सूची में जो है 140वें स्थान पर आ गया। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है, 140वें स्थान पर। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र की विश्व खुशहाली रिपोर्ट के मुताबिक भारत खुशहाल देशों की सूची में पिछले साल के मुकाबले 7 स्थान नीचे गिरकर 140वें पायदान पर पहुंच गया है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, याद रखिएगा 140वें नंबर पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस देश के ऊर्जा विभाग ने बताया कि देश का पहला एक्सास्केल सुपर कंप्यूटर 2021 तक बनकर तैयार हो जाएगा, जो प्रति सेकंड अरबों गणनाएं करने में सक्षम होगा। तो ये अमेरिका का है, ठीक है, ऑप्शन डी अमेरिका। दोस्तों अमेरिकी ऊर्जा विभाग ने बताया है कि देश का पहला एक्सास्केल सुपर कंप्यूटर 2021 तक जो है बनकर तैयार हो जाएगा और प्रति सेकंड अरबों गणनाएं करने में सक्षम होगा। ठीक है, कंप्यूटर का क्या नाम है, एक्सा स्केल सुपर कंप्यूटर, किस देश ने, अमेरिका ने। क्वेश्चन थर्ड है हमारा दोस्तों, भारतीय नौसेना के अनुसार 1971 में किस युद्ध के समय भारतीय पनडुब्बी के दिग्गज कमांडर रहे कैप्टन मोहन नारायण राव सामंत का दिल का दौरा पड़ने से 20 मार्च को निधन हो गया है। तो बांग्लादेश युद्ध में, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, बांग्लादेश युद्ध में। दोस्तों भारतीय नौसेना ने बताया कि 1971 के बांग्लादेश युद्ध के समय भारतीय पनडुब्बी के दिग्गज कमांडर कैप्टन मोहन नारायण राव का सामंत का दिल का दौरा पड़ने से 20 मार्च को 89 वर्ष की आयु में का निधन हो गया है। क्वेश्चन फोर्थ है, युद्धग्रस्त किस देश में दूसरी बार राष्ट्रपति चुनाव टाल दिया गया है और यह 28 सितंबर को होगा, अफगानिस्तान में, ठीक है, ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, युद्धग्रस्त देश अफगानिस्तान में दूसरी बार राष्ट्रपति चुनाव टाल दिया गया है और अब यह 28 सितंबर को होगा। इस चुनाव के साथ प्रांत और जिला काउंसिल चुनाव भी होंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, किस देश की प्रधानमंत्री जोनसिडा अर्डन ने क्राइस्टचर्च में मस्जिदों पर हुए आतंकी हमले के बाद देश भर में असॉल्ट राइफलों और सेमी ऑटोमेटिक बंदूकों की बिक्री पर तुरंत प्रभाव से प्रतिबंध करने की घोषणा की है। न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, न्यूजीलैंड, ऑप्शन डी। देखिए दोस्तों, न्यूजीलैंड की जो PM है जेसिंडा अर्डन ने क्राइस्टचर्च में मस्जिदों पर जो आतंकी हमला हुआ था उसके बाद जो है देश भर में असॉल्ट राइफलों पर और सेमी ऑटोमेटिक बंदूकों की बिक्री पर तुरंत प्रभाव से प्रतिबंध की घोषणा कर दी है। तो न्यूजीलैंड में ये प्रतिबंधित कर दिया गया है। क्वेश्चन सिक्स है हमारा दोस्तों, भारत ने किस देश में जारी स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड गेम्स में 19 मार्च 2019 तक कुल 233 पदक जीत लिए, जिसमें 60 स्वर्ण, 83 रजत और 20-90 कांस्य पदक शामिल है। तो ये संयुक्त अरब अमीरात में, कहाँ पे हो रहा है ये स्पेशल ओलंपिक गेम्स, संयुक्त अरब अमीरात में। क्वेश्चन नंबर सेवन्थ है, टी सीरीज अपने किस प्रतिद्वंदी को पछाड़ कर सर्वाधिक सब्सक्राइबर वाला यूट्यूब चैनल बन गया है। तो दोस्तों ये PewDiePie का, ठीक है दोस्तों, आपको बता दें टी सीरीज अपने प्रतिद्वंदी PewDiePie को पछाड़ कर सर्वाधिक सब्सक्राइबर वाला यूट्यूब चैनल बन गया है। यूट्यूबर PewDiePie टी सीरीज दोनों के ही 9 करोड़ से अधिक सब्सक्राइबर्स है। ठीक है, तो अब दुनिया का सबसे सर्वाधिक वाला जो सब्सक्राइबर वाला चैनल हो गया वो अपने इंडिया का यूट्यूब चैनल टी सीरीज हो गया है, PewDiePie अब पीछे हो गए हैं। क्वेश्चन एट है, किस बैंक के करीब $2 अरब कर्ज की धोखाधड़ी मामले में मुख्य अभियुक्त नीरव मोदी को ब्रिटेन में गिरफ्तार कर लिया गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है, ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, पंजाब नेशनल बैंक के करीब $2 अरब कर्ज की धोखाधड़ी मामले में मुख्य अभियुक्त और भगोड़े आर्थिक अपराधी नीरव मोदी को ब्रिटेन में गिरफ्तार कर लिया, कहाँ पे, ब्रिटेन में गिरफ्तार कर लिया गया नीरव मोदी को। भारतीय मूल के किस सांसद ने न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से कनाडाई सांसद के निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले आश्रित नेता के रूप में पदार्पण किया, जिसके साथ ही उन्होंने इतिहास रच दिया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका जगमीत सिंह, ऑप्शन ए, ठीक है, जगमीत सिंह। दोस्तों भारतीय मूल के सांसद जगमीत सिंह ने न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से कनाडाई सांसद कि जो है निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन्स में पहले अश्वेत नेता के रूप में पदार्पण किया, जिसके साथ इन्होंने इतिहास रच दिया है। क्वेश्चन टेंथ है हमारा दोस्तों, राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने मार्च 2019 में किस राज्य के मुख्य सचिव को राज्य के शैक्षिक पाठ्यक्रम में पर्यावरण विषय को शामिल करने का निर्देश दिया है।
करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी बिहार। ठीक है, ऑप्शन सी बिहार। तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी एनजीटी ने मार्च 2019 में बिहार के मुख्य सचिव को राज्य के शैक्षणिक पाठ्यक्रम में पर्यावरण विषय को शामिल करने का निर्देश दिया है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं दोस्तों लास्ट वीडियो का आंसर। हमारा कल का सवाल था दोस्तों, वेनेजुएला के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो वेनेजुएला के राष्ट्रपति के रूप में दोस्तों शपथ ली है निकोलस मादुरो ने। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट था, सभी स्टूडेंट राइट आंसर दिया था। अब देख लेते हैं आज का सवाल हमारा क्या, अंतर्राष्ट्रीय विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष कब आयोजित किया जाता है? आपको बताना अंतर्राष्ट्रीय विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष कब आयोजित किया जाता है, तो प्लीज फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर अपना जरूर लिखें। वीडियो पसंद आए प्लीज लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक ध्यान रखिए, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।